पंजाब में, पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है। पंजाब के विकास के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। पंजाब से अलगाववाद समाप्त करने के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। कैसे 92 सीट है यार, कैसे गिरा दोगे? तानाशाही मचा रखी है। वो खुल के कह रहे हैं कि हम तुम्हारे विधायक तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, पंजाबी दिल के बहुत बड़े होते हैं, प्यार से मांग लेते, आपको एक दो सीट दे देते। धमकी मत दो अमित शाह जी पंजाब के लोगों को, धमकी मत दो, नहीं तो फिर पंजाबी जब खड़े हो जाते हैं ना, आपका पंजाब में घुसना मुश्किल कर देंगे पंजाब के लोग। है हिम्मत थोड़ी सरकार तोड़न दी? 92 सीटा ने पंजाबियों ने प्यार नाल दित्तियां, कोई पैसे नाल नहीं असी जित्ते, कोई दिहाड़ियां ते बंदे नहीं लियांदे। हिम्मत है कि सरकार तोड़ दोगे साड़ी? ओ तुसी अपनी सरकार बचा लो, उही बहुत है, तुसी अपनी बचा लो। सेंटर च धमकियां दे जांदे आ जी, जगह जगह ते आके लोक सभा दीआं वोटां मंगणा है, ओ पंजाब सरकार तोड़न दी धमकी दे रहे हो। अमित शाह जी धमकी दे के गए हैं, पहले तो पंजाबियों को खूब गालियां दी उन्होंने, देखना उनका पूरा जो भाषण दे के गए, खुल के गालियां दी उन्होंने पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी दे के गए हैं 4 जून के बाद पंजाब की सरकार गिरा देंगे, 4 जून के बाद भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। कैसे 92 सीट है यार, कैसे गिरा दोगे? तानाशाही मचा रखी है। वो खुल के कह रहे हैं कि हम तुम्हारे विधायक तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे, हम उनको डरा देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, पैसे से खरीद लेंगे। देश का गृह मंत्री खुल के कह रहा है, कल वीडियो देखना आप लोग, उसमें कह रहे हैं 4 जून के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, भगवंत मान उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, पंजाबी दिल के बहुत बड़े होते हैं, प्यार से मांग लेते, आपको एक दो सीट दे देते। धमकी मत दो अमित शाह जी पंजाब के लोगों को, धमकी मत दो, नहीं तो फिर पंजाबी जब खड़े हो जाते हैं ना, आपका पंजाब में घुसना मुश्किल कर देंगे पंजाब के लोग। याद करो जिस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन के साथ किया था, किसान आंदोलन, किसान क्या कह रहे थे, हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली तो इस देश के लोगों की है, देश की राजधानी है, 140 करोड़ लोगों की है दिल्ली, दिल्ली के पिताजी की थोड़ी है। इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को, कीलें लगा दी सड़क के ऊपर, बुलडोजर लगा दिए, बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए सड़क के ऊपर, दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया। पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है। पंजाब के विकास के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। पंजाब से अलगाववाद समाप्त करने के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को चाहिए।